चलिए ठीक है। तो पहला पहला आप आप लोग लोग क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान ध्यान से से देखेंगे देखेंगे बेटा, बेटा, जस्ट जस्ट गो गो थ्रू थ्रू द द क्वेश्चंस क्वेश्चंस केयरफुली। केयरफुली। ड्रॉ ए ड्रॉ ए हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी टू टू कंज्यूम कंज्यूम कर्व कर्व एंड एंड फ्रॉम फ्रॉम इट इट डिराइव डिराइव द द प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी टू टू सेव। सेव। ओके, ओके, तो तो सबसे सबसे पहले पहले आपको आपको जो जो प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी टू टू कंज्यूम, कंज्यूम, ठीक ठीक है, है, ये ये कर्व कर्व दिया से आपको निकालना निकालना क्या क्या है, है, प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी टू टू सेव। सेव। विजिबल विजिबल है है बेटा बेटा सबको? सबको? कोई कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? हेलो, हेलो, दिखाई यस दे रहा है ना सर, बेटा? यस चलो, सर। तो आपको पहले पहले ये ये कंजम्पशन कंजम्पशन कर्व कर्व निकालना निकालना है, है, कंजम्पशन कंजम्पशन कर्व, कर्व, ठीक ठीक है? है, कंजम्पशन कंजम्पशन कर्व कर्व आपको आपको इससे इससे आपको आपको निकालना निकालना क्या क्या है, है, ये ये सेविंग सेविंग कर्व, कर्व, ठीक ठीक है? है। तो तो आप आप जानते जानते हो हो कि ये कि वाई y इज इज इक्वल इक्वल टू टू सी सी प्लस प्लस एस, एस, ये ये क्या क्या है, है, इनकम इनकम की की लाइन लाइन है, है, ठीक ठीक है, है, और और ये ये 45 डिग्री 45 डिग्री लाइन लाइन को को होती होती है, है, ठीक ठीक है? है, तो ये ये तो तो आप आप बड़े बड़े आराम आराम से से कर कर लोगे। लोगे। फिर फिर ये ये आपका आपका ये ये सी सी जो जो है, है, आप आप इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ऑफ सी सी आपके आपके दिमाग दिमाग में में होगा होगा कि कि सी सी का का क्या क्या इक्वेशन इक्वेशन होता होता है, है, सी सी हमारा हमारा सी सी का का कर्व कर्व जो जो होता होता है है ना, ना, सी सी इज इज इक्वल इक्वल टू टू क्या क्या होता होता है है बेटा, बेटा, सी सी इज इज इक्वल इक्वल टू टू ये ये हम हम कैपिटल कैपिटल लेते लेते हैं, हैं, सी सी इज इज इक्वल इक्वल टू टू क्या क्या होता होता है, है, सी सी इज इज इक्वल इक्वल टू टू सी सी स्मॉल स्मॉल सी सी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करता करता है है प्लस प्लस डी डी वाई, वाई, ये ये जो जो इक्वेशन इक्वेशन होता होता है है ना ना बेटा, बेटा, बोलिए बोलिए बोलते बोलते जाइए, जाइए, बोलते बोलते रहेंगे रहेंगे ना ना तो तो थोड़ा थोड़ा सा सा ये ये मालूम मालूम हुआ हुआ कि कि हाँ हाँ सही सही है, है, ठीक ठीक है, है, ठीक ठीक है। है। तो तो ये ये हमारा हमारा इक्वेशन इक्वेशन होता होता है है इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ऑफ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, लाइन, जो जो कि कि ये ये बिल्कुल बिल्कुल सटा सटा हुआ हुआ है। है। तो तो सी सी स्मॉल स्मॉल सी सी यहाँ यहाँ पर पर सी सी बार बार है, है, स्मॉल स्मॉल सी सी क्योंकि क्योंकि हम हम सी सी बार बार वहाँ वहाँ लिख लिख नहीं नहीं पा पा रहे रहे हैं, हैं, तो तो हमने हमने इसको इसको ऐसे ऐसे लिख लिख दिया दिया है, है, ठीक ठीक है? है? स्मॉल स्मॉल सी सी क्या क्या है है हमारा? हमारा? सी सी बार बार है। है। सी सी इज इज इक्वल इक्वल टू टू ये ये सी सी स्मॉल स्मॉल सी सी जो जो है है ना, ना, ये ये सी सी बार बार है है प्लस प्लस बी, बी, बी बी क्या क्या है है हमारा? हमारा? एम एम बी बी सी सी है। है। तो तो हमारा हमारा जो जो है है ये ये इक्वेशन, इक्वेशन, हम हम इस इस इक्वेशन इक्वेशन के के आधार आधार पर पर हम हम एक एक लाइन 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 ड्रॉ ड्रॉ कर कर लेते लेते हैं हैं जो जो कि कि आपको आपको यहाँ यहाँ दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है, है, ठीक ठीक है? है? तो तो हमने हमने इस कंजम्पशन कंजम्पशन कर्व कर्व पहले पहले ड्रॉ ड्रॉ कर कर लिया लिया हुआ हुआ है, है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू वैल्यू पूछ पूछ नहीं नहीं रहा रहा है है ये, ये, तो तो आप आप इसको इसको थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली आप आप बिना बिना टेबल टेबल बनाए बनाए हुए हुए आप आप कर कर लेंगे, लेंगे, ठीक ठीक है? है? अगर अगर टेबल टेबल बनाने बनाने के के लिए लिए कहता कहता है है तो तो टेबल टेबल बनाएंगे, बनाएंगे, जिसमें जिसमें आप आप तब तब फिर फिर आप आप यहाँ यहाँ पर पर टेबल टेबल इस इस सब सब की की वैल्यू वैल्यू लेंगे, लेंगे, सी सी बार बार क्या क्या है, है, मिनिमम मिनिमम कंजम्पशन कंजम्पशन को को आप आप मानना मानना पड़ेगा, पड़ेगा कि कि मिनिमम मिनिमम कंजम्पशन कंजम्पशन कितना कितना है, है, बी बी की की वैल्यू वैल्यू माननी माननी पड़ेगी, पड़ेगी, और और फिर फिर आप आप टेबल टेबल में में टेबल टेबल बना बना लेंगे लेंगे आप, आप, और और टेबल टेबल में में आप आप दिखा दिखा लेंगे, लेंगे, अगर अगर टेबल टेबल पूछता पूछता है है तो, तो टेबल टेबल पूछ पूछ नहीं नहीं रहा रहा है है इसलिए इसलिए हमको हमको टेंशन टेंशन ज्यादा ज्यादा लेने लेने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। हाँ, हाँ, यहाँ यहाँ पर पर हमने हमने सी सी बार बार का का कुछ कुछ वैल्यू वैल्यू ले ले लिया, लिया, फिर फिर यहाँ यहाँ पर पर हमने हमने एज्यूम एज्यूम कर कर लिया लिया कि कि बी बी की की वैल्यू वैल्यू क्या क्या है, है, लिखने लिखने की की जरूरत जरूरत यहाँ यहाँ नहीं नहीं है, है, यहाँ यहाँ एज्यूम एज्यूम सी सी बार बार इज इक्वल इक्वल टू टू ये ये सी सी बार बार समय समय में में ये ये सेम सेम आ आ जाएगा, जाएगा, ये ये सी सी बार, बार, क्योंकि क्योंकि आप आप वो वो फिक्स फिक्स होगा, होगा, क्योंकि क्योंकि वो वो हमारा हमारा फिक्स फिक्स होगा। होगा। मेरी मेरी बात बात समझ समझ में में आ आ रही रही है है कि कि नहीं नहीं आ आ रही रही है, है, ये ये सी सी बार बार है है यहाँ यहाँ पर पर यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक, तक, तो तो ये ये हमारा हमारा ये ये दिया दिया फिक्स फिक्स होगा, होगा, क्योंकि क्योंकि ये ये सी सी बार बार है, है, ठीक ठीक है? है? जियो लेवल पर जियो प्रूफ, जियो जियो लेवल लेवल पर पर मिनिमम मिनिमम लेवल लेवल ऑफ ऑफ कंजम्पशन कंजम्पशन होता होता है, है, इसलिए इसलिए वो वो फिक्स फिक्स ही ही रहना रहना है, है, तो तो सी सी बार बार ये ये लेंगे लेंगे तो तो आप आप ये ये फिक्स फिक्स ही ही रहेगा, रहेगा, बी बी आप आप एज्यूम एज्यूम कर कर लेंगे लेंगे वो वो पॉइंट पॉइंट टू टू फाइव फाइव एज्यूम एज्यूम करो, करो, या या पॉइंट पॉइंट टू टू एज्यूम एज्यूम करो, करो, पॉइंट पॉइंट फोर फोर एज्यूम एज्यूम जो जो भी, भी, पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव कर कर लो, लो, जो जो भी भी आपकी आपकी इच्छा इच्छा है। है। फिर फिर इसके इसके बाद बाद इनकम इनकम आप आप लिख लिख लिया, लिया, यहाँ यहाँ पर पर आपने आपने क्या क्या लिखा लिखा इनकम, इनकम, यहाँ यहाँ जीरो जीरो लेवल लेवल इनकम, इनकम, यहाँ यहाँ 100 100 ले ले लिया, लिया, यहाँ यहाँ 200 200 ले ले लिया, लिया, ठीक ठीक है? है? ये ये ऐसे ऐसे ले ले जाओगे जाओगे और और ये ये सबकी सबकी वैल्यू वैल्यू आपकी आपकी आ आ जाएगी, जाएगी, ठीक ठीक है? है? और और अंत अंत में में सी सी सबको सबको जोड़ जोड़ देंगे, देंगे, जब जब इस इस सबको सबको जोड़ जोड़ देंगे देंगे तो तो हमारी हमारी सी सी एक एक लास्ट लास्ट कॉलम कॉलम में में हम हम सी सी यहाँ यहाँ लिख लिख देंगे देंगे और और सी सी हम हम सबको सबको जोड़ जोड़ के के सी सी यहाँ यहाँ वैल्यू वैल्यू देंगे। देंगे। तो तो इस इस तरह तरह से से
y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, ठीक है, ठीक है, सी प्लस एस है। और यहाँ से हमने कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ किया, ये कंजम्पशन कर्व देखो, ये इस एरिया में आप ध्यान देखो, इन दिस एरिया कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, ये इनकम की लाइन है, ये इनकम की लाइन बेटा, दिस इज इनकम लाइन। हाँ, तो इस लाइन से पहले, दिस बिफोर दिस पॉइंट, दिस एरिया, दिस ये जो हमारा कंजम्पशन का कर्व है, दिस इज कंजम्पशन कर्व ना, ये हम इसको डार्कन कर रहे हैं ना, तो आगे बड़ा जो बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, दिस इज द कंजम्पशन कर्व। तो इस एरिया में ये क्या है, सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, सी इज ग्रेटर देन वाई, गेट द पॉइंट। तो सी जो है वाई से ज्यादा है दिखाई दे रहा है ना, सी इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, इसी को पॉइंट करता है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर ये इंटरैक्ट करता है ना, दैट इज अ ब्रेक पॉइंट, ये इज अ ब्रेक पॉइंट। तो वहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बोला, यहां से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज अ परपेंडिकुलर यू हैव ड्रॉन फ्रॉम द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ओके, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। On the axis, saving is zero at this point. इस point पर saving zero है, जिसकी हमने कल व्याख्या की थी, ठीक है? अब ये saving यहाँ पर zero आपको कैसे आया? ये भी ध्यान रखिए। अब हमने कल हमने equation दिखाया था, s is equal to लिखा था minus, क्या लिखा था? Minus c bar plus one minus b into y, जिसको saving का function याद नहीं है, saving का equation याद नहीं है, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये माइनस सी बार है ना, दिस इज अ माइनस सी बार, तो ये सी बार इधर है, यहाँ पर ये सी बार है, आप पहले भी बता चुके हैं, कई बार हो चुका है इस बात को, सी बार है और ये माइनस सी बार, तो मतलब एग्जैक्ट अमाउंट बस नेगेटिव वैल्यू में, तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं और इतना ही जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये सी बार है हमारा, तो उतना ही हम नीचे आते, देखो अंदाज से हमने ये मान लिया, स्केल से मान सकते हो, और फिर यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये देखो ये ड्रॉ कर रहे हैं ना, दिस इज अ लाइन, ठीक है, जिस लाइन को यहाँ दिखाया गया है आई पर आपको दिखाते हैं, इस लाइन को जो दिखाया गया है एस एस जो कर रहा है, एस एस कर्व, सेविंग कर्व, तो ये देखो वही चीज है, ये जो दिखाई दे रहा है ये ओ सी है ना, ओ सी, और ओ सी इज इक्वल टू ओ एस, ओ सी जब सी बार पॉजिटिव साइड, ओ एस इज इक्वल टू माइनस सी बार निगेटिव साइड, और माइनस सी बार निगेटिव कंजम्पशन मतलब वो सेविंग है, दिस सेविंग उसको कहते हो, तो वहां पर है, और बी पॉइंट पर क्या वो एक्स एक्सिस को टच करता है, यहां भी हमने दिखाया है, ये पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये जो आपके आंसर में दिया हुआ है, ये बी पॉइंट है हमारा, और बी पॉइंट को टच करता है, मतलब यहां पर क्या है, सेविंग हमारा क्या है, जीरो है, यहां पर सेविंग इज इक्वल टू, सेविंग इज इक्वल टू जीरो, ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट को दो तरीके से समझा सकते हैं, सेविंग के द्वारा और कंजम्पशन के द्वारा, जहां पर सी इज इक्वल टू वाई या एस इज इक्वल टू जीरो, दो तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट को दिखा सकते हैं, तो यहां पर क्या है, ये जीरो हो गया और फिर यहां से सेविंग वाली पॉजिटिव हो जाती है, और जो सेविंग वाली पॉजिटिव हो गई है तो कंजम्पशन हमारा इनकम से कम हो जाता है, देखो ये इनकम से ये कम हो गया, ये कंजम्पशन कर रहा है और ये हमारा इनकम कर रहा है, तो यहां ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज्यादा है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजम्पशन कम होता है इनकम से, ठीक है, और धीरे धीरे हमारा सेविंग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वाई के दो ही हिस्से हैं ना, जब कंजम्पशन कम हो रहा है तो सेविंग बढ़ रहा है, जब सेविंग देखो निगेटिव है, जीरो है, माइनस है, तो हमारा ये पॉजिटिव है, ज्यादा है इनकम से, गेट द पॉइंट। तो ये इनकम से कंजम्पशन ज्यादा कब हुआ, जब वो इंटरसेप्ट की बात होगी, जब ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात होगी, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको, चिल्ड्रन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी, यस सर, ठीक है, हाँ यस सर, हाँ और बोलो बेटा, कोई और बोल रहा है, चलो टेक ओएस ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओएस हमने नेगेटिव वाई एक्सिस लिया, वो कैसे लिया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वाई एक्सिस इक्वल टू ओसी, हमने ओसी ओसी के बराबर मतलब कंजम्पशन इंटरसेप्ट जो है हमारा वाई एक्सिस पर मतलब हमारा जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसके बराबर हमने लिया, ठीक है, आगे के पॉइंट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस जॉइनिंग पॉइंट्स एस एंड बी एंड एक्सटेंडिंग द लाइन अपवर्ड टू गेट द सेविंग कर्व, ठीक है, जिसको हमने लाइन किया फिर यहां से सॉरी इसको बढ़ा दिया और इस तरह हमारा ये सेविंग कर्व हो गया। तो एक सिंपल तीन माला का क्वेश्चन है जिसको आपने किया, तो क्या लिखना है,
ये आप देखो इस जो डिस्कशन का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या लिखें और किस तरह से लिखें कि हमको फुल मार्क्स मिले। हम पहले बात तो पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखोगे तो मार्क्स बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं मिलता है, जनरल मार्किंग होती है बेटा, ये समझ लीजिए। आपको अपने आपका जो कहते हैं ना कि आपका आंसर ही आपका विजिटिंग कार्ड है, आप किस तरीके से, नोबडी नोज यू पर्सनली, सो योर आंसर एंड योर हैंडराइटिंग बोथ आर योर रिप्रेजेंटेशन विजिटिंग कार्ड। सो आप अपने हैंडराइटिंग और अपने आंसर्स को बहुत ही प्लान होके लिखना पड़ेगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमबीएस बी नेगेटिव, क्या एमबीसी और एमबीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और क्यों? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, कैन द वैल्यू ऑफ एमबीसी, एमबीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? सोचना है कि एमबीसी की वैल्यू, बोथ द कंजम्पशन एंड सेविंग हैव पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इनकम, बोथ आर फंक्शंस ऑफ इनकम, देयरफॉर एमपीएस एंड एमबीसी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ये कहता है कि एमपीएस और ये दोनों नेगेटिव नहीं होगा, हम इसका थोड़ा वेरिफिकेशन किया जाए। देखो हमारा एमपीएस जो है, एमपीएस क्या है, हम अगर देखें तो एमपीएस प्लस एमबीसी आप इसको थोड़ा सा कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो कुछ लोगों के दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा, एमबीसी प्लस एमबीएस इज इक्वल टू क्या होगा, ये वन। अब इसका ये देखो, इसका एमबीएस कैसे आता है इसको मैं थोड़ा सा एलिबरेट करना चाहूंगा, हालांकि मैंने कल बताया था लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ लोगों को डाउट हो। तो हम वाई के दो कंपोनेंट, वाई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है बेटा, सी प्लस एस, ये होता है। और हम इसको अगर इस तरीके से लिखें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, ठीक है, तो वो भी सही होगा, मैथमेटिकली बिल्कुल 100% सही है, इसमें ज्यादा आर्गुमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ये मान के चलिए कि ये सही होगा। ठीक है, यहाँ प्रूफ करना नहीं है हमको, तो डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, ठीक है। अगर इसी को हम डेल्टा वाई से हम डिवाइड कर दें, ठीक है, दोनों तरफ, क्योंकि ये भी मैथमेटिकली जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल प्रूफ है, केवल आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसको मैथमेटिकली बिल्कुल 100% ये सही है, इसलिए आपको मैं ये 7th क्लास में पढ़ाया था मैथ्स में, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो ये डेल्टा सी, अब ये जो नोट कर गया, अब ये देखो ये क्या बचा, अगर इस वैल्यू को देखो तो ये वैल्यू आपका क्या है, ये वैल्यू ये है, सॉरी ये है, ठीक है, ये वैल्यू ये है, और हम इसको कलर चेंज करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज दिस, ठीक है, समझ में आया। और ये क्या हो गया, यहां पर तो कटने के बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई, तो MBC प्लस MBS ये क्या हो गया, 1, देखो ये 1 है, तो ये तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू में देखो कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट कैन द वैल्यू ऑफ MBC एंड MBS बी नेगेटिव, इसका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। अब आप लोग मान लो कि MBC की वैल्यू आपने कुछ लिया, एमबीसी मान लो एमबीसी आपने ले लिया 0.5 लिया मैंने, ठीक है 0.5, ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर आप एमबीसी प्लस एमबीएस वाले इक्वेशन में अगर आप एमबीएस इज इक्वल टू 1 है, अगर आप यहां पर 0.5 डालते हो तो ये एमबीएस क्या हो, ये भी 0.5 हो जाएगा, ठीक है, एमबीएस इज इक्वल टू ये क्या होता है, एमबीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमबीसी होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस के बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक दिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, 1 माइनस 0.5, ठीक है, 1.0.5 ये वैल्यू हो गई
पॉइंट। तो इस तरह से आप दो चार और निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये वास्तव में निगेटिव होगा या नहीं होगा या पॉजिटिव ही रहेगा। सो यू कैन इजीली डू दैट। ओके, और यहां पर आपका रेडीमेड आंसर ये है, बोथ द कंटेंट सेविंग हैव पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इनकम एंड बोथ आर फंक्शंस ऑफ इनकम। अभी जो पहला पॉइंट कह रहा है कि बोथ कंटेंट एंड सेविंग हैव पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप, अब इसको अगर आप देखो तो मैंने पहले भी बताया हुआ है और फिर मैं बता रहा हूं कि अगले स्लाइड में कि C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ठीक है, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ओके, और S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ठीक है, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y और S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, तो यही पहला पॉइंट है, बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग हैव अ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब क्या है, अगर y बढ़ेगा डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब y बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा, इन इंक्रीज इन y increases, s also increases, ठीक है, तो ये इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप, ओके, इफ देयर इज इंक्रीज इन y देयर विल बी इंक्रीज इन सेविंग आल्सो, गेट योर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये आपको इस तरीके से आंसर लिखने की जरूरत है। आर यू गेटिंग पॉइंट, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, हां यस सर। और इस तरीके से आप लोग नहीं लिखते हो ना, कुछ पॉइंट मिसिंग होते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, फिर देखो होम एग्जामिनेशन में टीचर्स को दे देता है किसी तरह, आप लोग मतलब इतने सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो लेकिन आप जब फाइनल एग्जाम दोगे, बोर्ड एग्जाम दोगे, तो अगर ये वैल्यू पॉइंट नहीं है तो ये नहीं होगा, ये मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये जान लेना कि आप इन सब चीजों को वैल्यू पॉइंट्स को नहीं लिखते हो, और ये आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपने सही आंसर लिखा और चाहे वो होम एग्जामिनेशन हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, अगर आपने सही भी लिखा है, अगर आप समय नहीं है और यहाँ तो मान लो आप पेपर देखते हो और मिनट कर लेते हो, चलो मिल जाता है, मिल जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट होगा, हालांकि आजकल बोर्ड एग्जाम में भी पेपर देखने के लिए छूट है, लेकिन आपका मनी वेस्ट होगा और आपका टाइम वेस्ट होगा, और इसके बाद क्या गारंटी है कि होगा ही होगा, क्योंकि आपको लैंग्वेज आपकी कुछ और है, टीचर को लैंग्वेज कुछ और समझ में आ रही है, तो लैंग्वेज भी आपकी आपका बहुत मायने रखता है, तो इसलिए बेटर है कि हम जो लिखें क्लियर लिखें, कॉन्साइज लिखें, बहुत कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो कई कई पेज भर देते हैं, छोटे छोटे आंसर एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो पांच लाइन लिख रहे हैं, दस लाइन लिख रहे हैं, तो कोई तो वेस्टेज अब इरिटेट करता है टीचर को, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको, इसलिए हर आंसर के मार्क्स बने हुए हैं और उसको कितना लिखना है इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया जाते हैं, तो यू शुड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली एंड स्टैंडर्ड जो आंसर है उसको देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द लाइकली इंपैक्ट ऑफ द मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मेक इन इंडिया, मेक इन अभी जानना पड़ेगा, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया कि मेक इन इंडिया को बच्चे को जानना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर बच्चे को यही नहीं मालूम है तो बच्चा इस काम से वैसे नहीं लिख पाएगा। अब जिस बच्चे को मालूम है कि मेक इन इंडिया का एग्रीकल्चर से संबंध था, कि मेक इन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग संबंध है, मेक इन इंडिया का सर्विस सेक्टर से संबंधित है, या क्या किससे संबंधित है, क्लियर पॉइंट, समझ रहे हो, तो मेक इन इंडिया का जो स्कीम है उसके बारे में जानना जरूरी है, तो ये लेटेस्ट जो चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में ये इससे क्वेश्चन ये बना हुआ है, तो मेक इन इंडिया कैंपेन हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है बट मेरे कहने का बस मतलब कि जिससे डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, या जनधन अकाउंट है, या स्वच्छता अभियान है, इन सब सारी चीजों से क्वेश्चंस रिलेटेड होकर बन जाएंगे, और अभी भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, या फार्मर्स पर जो सब्सिडी, अभी जो किसान आंदोलन, पंजाब किसान आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश के तो नहीं लेकिन पंजाब किसान आंदोलन कर रहे हैं, और इसमें भी बहुत बड़ी लॉबी है जो कि
पॉलिटिकल लीडर्स की लॉबी है जो जिनके मंडियों पर कब्जे हैं, तो इससे बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। खैर तो ये जिस तरह की जो जो गवर्नमेंट का ये जो नया बिल आया, तो इस किसान आंदोलन आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन किसानों से संबंधित, एमएसपी से संबंधित, मिनिमम सपोर्ट प्राइस संबंधित, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्वेश्चन बनते ही हैं। जैसे आप यहाँ पर मेक इन इंडिया से संबंधित क्वेश्चन बनाया है, उस तरह क्वेश्चन बनते ही हैं। इसलिए आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, न्यूज में जो आ रही है, पेपर में जो आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है। चलिए अगर आते हैं अपने टॉपिक पर, व्हाट वुड बी द लाइकली इंपैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इट वुड लीड टू द इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बेटर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन आपको क्या करना है, इट विल लीड टू द इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसको अंडरलाइन करना है, एंड बेटर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको अंडरलाइन करना है। हेंस द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लाइकली टू राइज इन फ्यूचर। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या था, मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हम भारत में जो भी चीज हम विदेशों से मंगा रहे हैं उसको हम विदेशों से न मंगाकर भारत में ही बनाएं। ये हमारा मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट था, जिससे फायदा क्या होगा कि भारत की पहले बात तो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा बचेगा, और अगर भारत में अगर बनाते हैं, अगर हमारे अंदर क्षमता है तो सुपर सो गुड, अगर नहीं है तो हम कोलैबोरेशन करें, दूसरी कंपनियों के साथ साझा करें, जैसे स्वीडन की कंपनी है या अभी रक्षा क्षेत्र में भी, डिफेंस के सेक्टर में भी इंडिया ने कोलैबोरेशन करने की बात की। पहले नहीं था इस तरह का, हम हर साल हजारों करोड़ का अरबों रुपए का इम्पोर्ट करते थे डिफेंस गुड्स का, और उसमें भी बहुत सारे घोटाले होते थे। जैसे एक फेमस स्कैम है बोफोर्स, और इसलिए एक और जील का नाम आया कागासा वेस्टलैंड। इस तरह आजादी के बाद से ही जब जब हमने बाहर से सामान मंगाया है, कुछ न कुछ बिचौलिए होते हैं, कुछ पॉलिटिकल नेक्सस होता है, ब्यूरोक्रेट का नेक्सस होता है, और घोटाले होते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कहा कि हम सारे डिफेंस को हम क्यों कंजर्व करके रखें, क्यों हम कंजर्व नहीं, मतलब क्यों इसको हम एक्सपोज नहीं करें, क्यों हम इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर में नहीं करें। हम अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हमारी कंपनियां जिनके पास एसेट्स है वो बाहर की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके अगर डिफेंस का गुड बनाती हैं, जैसे अभी इंडिया के ब्रह्मोस की जो डील है, अभी ब्राजील ने उसको मांगा है, फिलीपींस मांग रहा है, वियतनाम मांग रहा है ब्रह्मोस मिसाइल को, इसी तरह अजरबैजान, आर्मेनिया ने मांगा है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत की जो डिफेंस गुड्स है, भारत की क्रेडिबिलिटी डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बढ़ गई है, और इसलिए भारत ने सोचा कि हम जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो फॉरेन एक्सचेंज हम सामान मंगाने के लिए करते हैं, जैसे मिग, आप भारत के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट को अगर देखो आप, तो सुखोई हो, चाहे मिग हो, चाहे राफेल हो, चाहे कोई भी हो, वो सब बाहर से आ रहे हैं, और इसमें हम करोड़ों रुपए अरबों रुपए इसको हम खर्च करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही सुंदर इस बात को सोचा कि हम रियलाइज किया, तो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, यही प्रोजेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव भी सही है कि हम पहले रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करें, चाहे डोमेस्टिक रिसोर्सेज हो, चाहे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो। हम अगर हमारे पास क्षमता नहीं है तो हम फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करें, फॉरेन की जो कंपनियां हैं, दे आर आइंग टुवर्ड्स इंडिया बिग मार्केट। तो ये सारी चीजें अगर हम कर पाते हैं तो ये हमारे लिए प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, और इसी को कहा कि एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लाइकली टू इंक्रीज इन फ्यूचर। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। हेलो, यस सर। ओके, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां हम लीव कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक पूरा एक सेट बनाया हुआ है न्यूमेरिकल्स का, हम केवल थ्योरी वाले क्वेश्चंस को फिलहाल हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन इज इक्विलिब्रियम, हां आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे देंगे, इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन। क्या इक्विलिब्रियम जो है इकोनॉमी में, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, इनकम और आउटपुट को सिनोनिम की तरह यूज करते हैं, किंस तो इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन। तो आप लोग कल हमने क्लास दिया था, उसमें हमने चर्चा की थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल होता है वो क्या होता है।
फुल एम्प्लॉयमेंट इज दैट लेवल वेयर एग्रीगेट सप्लाई हाँ जिसको इनकम की भी लाइन का तो बुरा स्थिति हो गई हाँ सप्लाई को मतलब A5 मत समझना दिस इज नॉट A5 दिस इज एग्रीगेट सप्लाई ठीक है दिस इज एग्रीगेट सप्लाई ओके दिस इज एग्रीगेट सप्लाई यस और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड तो ये जो जहां पर ये कट करेंगे दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो फुल एम्प्लॉयमेंट एफ ई लिख देता हूं केवल फुल एम्प्लॉयमेंट ठीक है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो मतलब जितना ही हमारा प्रोडक्शन हुआ ठीक है ये हमारा प्रोडक्शन दिखा रहा है ना ठीक है हमने एस की लाइन पर अगर ये प्रोडक्शन कैपेसिटी की लाइन का था ये एस इनकम की लाइन है ये हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी की लाइन को दिखाता है ठीक है ये हमारे कितने डिजायर्ड है कितनी डिमांड हो रही है इकोनॉमी में उसको दिखाता है और कितना हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो जितना हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं वही हमारी इनकम है अगर एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड और वैल्यूएशन मेथड आपको याद हो तो जितना हम इनकम जितना हम प्रोडक्शन करते हैं वही हमारा इनकम भी है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा जो जितना डिजायर्ड है जितना हम डिमांड कर रहे हैं जितना हम एक्सपेंडिचर करने के इच्छुक हैं वो हमारा दोनों बराबर होता है क्लियर पॉइंट तो ये कहने का क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए क्वेश्चन इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फुल एम्प्लॉयमेंट ठीक है जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट होगा क्या हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट को ये शो करता है क्या कहता है इसका आंसर कि द इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ए इज इक्वल टू एस दिस इक्विलिटी can be achieved at the full employment level of income. Okay? However, the equilibrium level of income is not always associated with the full employment. इसका मतलब क्या है? इसको हमको समझना है. However, the equilibrium level of income is not always associated with the full employment. मतलब ये full employment से बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही होगा मतलब इक्विलिब्रियम पहले और बाद में भी हो सकता है अब उसका वेरिफिकेशन करेंगे कल हमने बताया था रिमेंडर क्लास में लेकिन हम इसको री वेरीफाई करते हैं यहां पर इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई इट इज लेस देन एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम देन द इकोनॉमी इज इन अंडर डेवलपमेंट अब इसको हम वेरीफाई करेंगे या आपका स्टैंडर्ड आंसर है जो आपके सामने है और आपके गूगल उसमें भी है दिया हुआ है मैंने ठीक है तो ये इसका आंसर है लेकिन आपको आंसर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको जितना ही आप आंसर नहीं लिखोगे यहाँ पढ़ लोगे किताब बंद कर दोगे इसका मनन नहीं करोगे इसको सोचोगे नहीं इसको ध्यान नहीं लगाओगे तो फिर आप वही जीरो के जीरो रहोगे मैं यहाँ पर भाषण देकर चला जाऊंगा और कोई बेनिफिट नहीं होगा बेटा इसलिए आपको क्वेश्चन फिर लिखने पड़ेंगे बार बार लिखने पड़ेंगे नए जो अनसॉल्व है उसको भी करने पड़ेंगे अभी तो हम सॉल्व से करा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो क्योंकि आप अचानक अनसॉल्व से करोगे तो क्या होगा नहीं आएगा ना बिल्कुल तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे इसलिए मैं सॉल्व से करा रहा हूं आपको स्टैंडर्ड आंसर भी बता रहा हूं इस स्टैंडर्ड आंसर को आपको पढ़ो लिखो समझो याद कर लो ठीक है समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों को मैं याद करने से बोलता हूँ कि पास लैंग्वेज नहीं है समझ तो है लेकिन उनके पास लैंग्वेज नहीं है तो आपको शॉर्टकट करना पड़ेगा आपको याद करना पड़ेगा जिनके पास लैंग्वेज है वो ठीक है लेकिन उनको भी बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि वो एग्जामिनेशन में सोच सोच के लिखने का समय नहीं होगा आपको बिल्कुल आपको रेडीमेड आपको 150 क्वेश्चन का एक लिस्ट तैयार रखना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में इसको हम समझने के लिए हम एक बार नए स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं देखो हम डायग्राम बना रहे हैं ठीक है ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है जहाँ हमारा एडी और एस बराबर होता है बार बार हम एडी और एस लिखेंगे तो मेरा टाइम ज्यादा क्लियर होता है ये है और हमारा ए एस ये है तो ये हमारा क्या हो गया ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया दिस इज अवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ओके जहाँ पर एडी और एस बराबर होता है लेकिन देखो अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो ये डिजायर्ड था डिमांड और अगर मान लो किसी भी कारण से इकोनॉमी में वो क्या होता है डिमांड कम हो जाए हम इसको यहां दिखाते हैं ठीक है
तो तभी आप देखो ये हमारा डिजायर था और ये हमारा एक्चुअल है, ध्यान देना। ये डिजायर था, एडी इज अ डिजायर एंड दिस 81 इज अ एक्चुअल। किसी कारण से जो इन्वेस्टर जो क्लास है वो कम इन्वेस्टमेंट करता है, उसको लगता है कि मेरा माल बिकेगा नहीं या प्रॉफिट कम होगा, जो भी कारण, तो वो कम करता है। जब कम करता है तभी देखो कि 81 इज आल्सो कटिंग एएस, उसको यहां पर कट करता है। तो ये हमारा जो हमारा तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये था जिसको हमने एक्सपेक्ट किया था ये होना चाहिए। हां तो ये इससे ही कम होता है, ठीक है, दिस इज अ बिलो टू दिस, ठीक है, इससे ये कम होता है। तो दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो हो रहा है इक्विलिब्रियम इसलिए हो रहा है क्योंकि एडी और एएस कट कर रहे हैं, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम तो कहेंगे, लेकिन दिस इज इक्विलिब्रियम नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। नाउ सेम वे अगर मान लो कि इन्वेस्टर्स क्लास उसको एक्सपेक्टेशन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन राइट नजर आती है एंड ही मेक एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो वो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा। तो ये हमारा एक्चुअल जो है ज्यादा हो जा रहा है डिजायर्ड से, तो ये हमारा AD2 लिख दिया मैंने, ठीक है, AD2। तो ये जो इम्प्लॉयमेंट है ये फुल इम्प्लॉयमेंट के बाद है, तो इसको हमने नाम दिया है ओवर फुल इम्प्लॉयमेंट। ये सीधा लाइन होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, सीधी लाइन होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओवर फुल इम्प्लॉयमेंट। ओके ओके, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। बोलो भाई, बाकी लोग बच्चे नहीं बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बस बोल रहे हैं। यस सर, आकाश बोल रहे हो, आकाश तो आ रहे हैं और बाकी बच्चे नहीं बोलते ना, तो हमको न्यूमलाइज करते रहते हैं, है ना? यस सर आ रहे हैं। गायत्री बोल रहे हो? गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर गिव रीजंस सपोर्टिंग योर आंसर्स। तो आर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, अब जैसे ये फिजिकल पॉलिसी बताया तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा नहीं कि फिजिकल पॉलिसी क्या है, ये तो सर ने पढ़ा नहीं है। लेकिन देखो फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, हमने कई बार बोला होगा क्लास में कि गवर्नमेंट के मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने के दो तरीके हैं, एक तो फिजिकल है, दूसरा है मॉनेटरी। फिजिकल पॉलिसी को आप बजटरी पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस की पॉलिसी कहते हो, हां बजटरी पॉलिसी। तो क्या बजट फिजिकल के जगह बजट यूज कर रहे हैं, आर बजट एंड मनी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आरबीआई की पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, क्या है एक दूसरे के पूरक है। हां हां, अच्छा रिजल्ट लाना हो तो पेरेंट्स टीचर्स और बच्चे सब एक दूसरे के पूरक है, मतलब बच्चा सपोर्ट करेगा, बच्चा मन लगाएगा तब अच्छा रिजल्ट होगा, टीचर मन लगाएगा टीचर वो देगा जो बच्चों को जरूरत है तब अच्छा रिजल्ट होगा, पेरेंट्स वो करेंगे जो बच्चे के रिजल्ट के लिए जरूरी है तो अच्छा रिजल्ट होगा। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो, तो क्या सब एक दूसरे के पूरक है? यस। उसी तरह आर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर टू गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ फ्रांस। आंसर क्या कहता है, बोथ दीज पॉलिसीज आर परस्यूड
तो हमने बताया कि फिजिकल पॉलिसीज क्या है, हम यहाँ इसका सहारा ले लेते हैं। हमारी हमारी जो बजटरी पॉलिसी है ना, फिजिकल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसीज बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी, ठीक है। बजटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बजटरी पॉलिसी में क्या होता है, बजटरी पॉलिसी में हमारा बजटरी पॉलिसीज इज इक्वल टू बजट के द्वारा हम क्या करते हैं, हम टैक्स लगाते हैं, इज इक्वल टू करते हैं टैक्स, और दो चीजें हम लगाते हैं, सब्सिडी भी देते हैं, ठीक है। ये हमारे दो बहुत बड़े इशू है, टैक्स और सब्सिडी, हां, और भी बहुत तरह के सुविधाएं देते हैं, छूट देते हैं, एग्जेम्प्शन करते हैं, तो टैक्स में ही आ जाएगा। तो टैक्स के द्वारा क्या होता है कि अगर मान लो कि हम टैक्स को बढ़ा दें या घटा दें, टैक्स अगर मान लो कि क्या है, टैक्स हाँ को इंक्रीज कर दें, टैक्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा इनकम बढ़ेगा कि घटेगा, इनकम क्या होगा, इनकम क्या होगा, रिड्यूसेस, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि एमएस क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगा, रिड्यूसेस, अगर टैक्स बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, घटेगा, टैक्स बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, घटेगा, समझ में आ रही बात, टैक्स इंक्रीजेस तो ये इनकम रिड्यूसेस, और इनकम मतलब मनी सप्लाई रिड्यूसेस, ये बात समझ में आ रही है। अगर सब्सिडी देंगे तो क्या होगा, सब्सिडी लिख देता हूं, सब्सिडी देंगे तो क्या होगा, सब्सिडी देंगे लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा ना, इनकम सर इनक्रीजेस और इक्वल टू मनी सप्लाई इनक्रीजेस, ठीक है, ये तो हो गया। तो ये हमारी बजटरी पॉलिसी को मैंने समझाने का प्रयास किया, मतलब फिजिकल पॉलिसी को। अब मॉनेटरी पॉलिसी में आपने देखा हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या बहुत सारे टर्म होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हमारे आरबीआई की जो पॉलिसी होती है इक्वल टू आरबीआई पॉलिसी, और आरबीआई के पास जो पॉलिसी इज इक्वल टू क्या होगा, वो हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो क्रेडिट कंट्रोल है ना, कि जो पॉलिसी है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, ये सब इसमें आ जाएगी। अब क्रेडिट कंट्रोल वाली जो पॉलिसी हमारी वो क्या है, वो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो आता है वो हमारा क्या क्या आता है, देख लो, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी से नाम लेते हैं, कोई मांग आगे लेना है, आरबीआई की जो पॉलिसी है क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। अब हमारा जो ये तो थोड़ा सा कमजोर पॉइंट है क्वालिटेटिव वाला, है ना, लेकिन हमारा जो मजबूत जो पॉइंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसको आरबीआई क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटेटिव जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी क्या है, ठीक है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में हमारा जो रेपो रेट, ठीक है रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, ठीक है, ये सब आते हैं, ठीक है, ये सब हमारा आता है, क्या है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में। तो अब ये दोनों पॉलिसी जो है, अब मान लो कि हमारा रेपो रेट ऊंचा हो जाए, या CRR, एग्जांपल CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास रहता है, मान लो कि आरबीआई के पास ज्यादा पैसा बैंक को, मान लो बैंक की इनकम 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए डिपॉजिट होता है, तो 100 रुपए डिपॉजिट में से मान लो कि 10 रुपए 10% है, तो 10 रुपए आरबीआई के पास रखने, तो 90 रुपए के आधार पर ये क्रेडिट को लोगों को लोन देगा। अगर मान लो
लोन देने का मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई को बढ़ाना। लोन देने का मतलब क्या हुआ, लोग लोन लेंगे तो उनके पास पैसा बढ़ेगा ना, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। और मान लो कि सीआरआर की वैल्यू 20 कर दी जाए, तो 20 जब होगा, मान लो कि 100 रुपए डिपॉजिट इसके पास आता है, उसका 20 रुपए वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है, तो अब कितने के बेस पर लोन देगा, 80 रुपए के बेस पर लोन देगा। ठीक है, तो पहले 20 रुपए वो आरबीआई के पास जमा कर रहा था, अब पहले 10 रुपए करता था तो 90 रुपए का लोन देता था, मतलब 90 रुपए की मनी सप्लाई बढ़ी, और अब 80 रुपए की मनी सप्लाई घट गई। तो मतलब सीआरआर, मतलब ये सीआरआर बढ़ेगा, एसएलआर बढ़ेगा, बैंक रेट बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगा, तो क्या होगा, मनी सप्लाई घटेगा, मनी सप्लाई घटेगा। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर कि आर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंटेड विद अदर, मतलब गवर्नमेंट को अगर मान लो कि मनी सप्लाई घटाना है तो फिजिकल टैक्स को क्या कर रहे हैं, कम कर देगी, मनी सप्लाई घटाना है सॉरी, तो मनी सप्लाई घटाना है तो टैक्स को बढ़ा देगी, और सीआरआर को क्या करेगी, मनी सप्लाई घटाना है ना तो सीआरआर को बढ़ा देगी। तो ये दोनों माध्यम से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एक्सेस डिमांड को भी और एक्सेस सप्लाई को भी। एक्सेस डिमांड होगा तो ये इन्फ्लेशनरी कंडीशंस होंगे, एक्सेस सप्लाई होगा तो डिफ्लेशनरी कंडीशंस होंगे। इन्फ्लेशनरी कंडीशन मतलब मनी सप्लाई ज्यादा होना, अगेन पॉइंट, तो मनी सप्लाई को कम करना है तो हमको सीआरआर मतलब मॉनेटरी पॉलिसीज को एक्टिवेट करना है, साथ ही साथ फिजिकल पॉलिसी को टैक्स को भी करना है। तो हमको हम दोनों माध्यमों से, फिजिकल और मॉनेटरी दोनों माध्यमों से, हम अपने एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की जो कंडीशन है, या डिफिशिएंट डिमांड या डिफिशिएंट सप्लाई की जो कंडीशंस है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस है मार्केट में, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? हेलो, यस सर, चलो सिद्धार्थ बेटा, सिद्धार्थ सर, ओके चलो, तो अभी और बढ़ा देंगे, जाओगे तुम लोग, 8:25 तो हो गया है। सर खींच दो, तुम लोगों का नेक्स्ट वीक क्या है सर? ज्योग्राफी। ज्योति मैडम से, पांडे सर आप बहुत लंबा खींच देते हैं। और ट्वेल्थ का क्या है बेटा? अकाउंट्स। ओके मैडम, ओके ठीक है बेटा, तो इट इज टाइम टू से गुड बाय। और सुनो, 6 इवनिंग की क्लास में 6 बजे रखूंगा, सब लोग प्रेजेंट हो बेटा। आप रिमेडियल कुछ टाइम पे मत रखा करो सर, ट्यूशन होती है बेटा, कोई भी टाइम रखते हैं ना तो हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्शन होता है। मैं कार्तिक तुम्हारे तुमको तो मैं स्पेशल क्लास दे दूंगा बेटा, जो भी तू कोई क्वेश्चन पूछ 12 बजे रात को तू बोल, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है, तो तू हमको 12 बजे रात को फोन कर, मैं तुम्हें हेल्प करने को तैयार हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई भी बेटा देखो 3 बजे रखता हूं तो 3 बजे भी ऑब्जेक्शन होता है। हां 3 बजे ऑफिशियल तो 3 बजे है, लेकिन बच्चों के ज्यादा तो 6 बजे रखा, 8 बजे मैंने रख दिया क्योंकि बच्चे बोलने लगे सर खाना बनाने का समय है, खाना खाने का समय है। तो मैं तो हर हर दृष्टिकोण से जा रहा हूं, कोई भी ऐसा समय नहीं है बेटा जिसमें किसी न किसी कोई ना कोई एंगेजमेंट हो। तो आप ऐसा करो कि अगर कोई ऐसा हो तो या तो आपस में आप लोग मैक्सिमम बच्चे जिस टाइम को एग्री करो तो मैं तैयार हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, रात के 9 बजे क्या बेटा? सर 9 बजे रख लो, सब खाना खा लेते हैं, सब फ्री हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, 9 बजे यहाँ पर मुझे बता दो कि 9 बजे के टाइम कितने लोग हैं, मुझे तो फोकस करना है अपने रिमेडियल ग्रुप में, जो रियल में जिसको जरूरत है उसको फोकस करना, उस ग्रुप में से कितने बच्चे 9 बजे आ रहे हो। और साहिल आप रिमेडियल क्लास से एग्जिट क्यों कर दिए हो, जानबूझ के क्यों हो गया है साहिल? साहिल साहिल नहीं है शायद, साहिल को कन्वे करना ना मैसेज, कार्तिक और जो हमारे बच्चे हैं सुन रहे हैं, मैसेज करना है कि रिमेडियल क्लास लीव ना करें अगर लीव किया है तो। और बताओ कि मैं 9 बजे रख दूं टाइम, बोलो भाई
माँ लिखा है कि ना लिखा है? 9 बजे कितने लोग रेमेडियल वाले बच्चे बोल दो 9 बजे मैं तैयार हूँ। सर 9 बजे काम होता है, देख लो बहुत लेट हो जाता है सर। हाँ नो पंकज नो विद्या नो। अच्छा देखो भाई यहाँ सर्वे हो जाएगा, मुझे तो सर्वे हो जाएगा। रिजली बोल दो बेटा कि 9 बजे का टाइम कितने लोग एग्री करते हो, तो 9 बजे का टाइम मुझे खुद ही लग रहा है कि बच्चे नहीं करेंगे, देख लो। हाँ ठीक है, इस समय तो मदर को हेल्प कमी में बच्चे कर रहा हूँ क्योंकि मदर लोग चाहते हैं कि ग्रेड अच्छा हो जाए। सर 5 बजे ठीक है, 5 बजे के कितने लोग एग्री हो बताओ। देखो कार्तिक में सर्वे कर रहा हूँ, देखना आयशा बच्चे नो, 5 बजे नहीं, देख लो अभिषेक नो, सुप्रिया नो, बस देख लो आप टाइम देख लो क्या है। पंकज नो, स्नेहा नो, मोहित नो, देख लो देख लो आयशा, देख लो अब बताओ आपको ये और टाइम दो। सर 7 बजे रख लो, 7 बजे से 7 बजे के कितने लोग बोल रहे हो ये सुनो, बता दो 7 बजे मुझे कोई दिक्कत नहीं, बता दो पहले ये सर्वे हो रहा है। नो ऋतु नो, अभिषेक नो, ऋषिराज यस, अच्छा सुप्रिया यस, आकाश पाल यस, देवयानी यस, ओ माय गॉड स्नेहा यस, मोहित यादव नो, देख लो आयशा पटेल नो, हर भदौरिया नो, देख लो हर सदी को मना कर रहा, अब बताओ। सुविधि यस, देख लो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना इधर का नो उधर का, 6 बजे द बेस्ट टाइम। ओके 1 बजे, एक बजे बेटा मेरा दूसरा क्लास होगा ना बेटा, मेरे क्लासेस होंगे जूनियर सेविंग में भी मेरे क्लासेस हैं, तो वो टाइम 3 बजे के बाद ही कोई टाइम हो सकता है। ऋतु बोल रहे 2 बजे, बेटा नहीं 2 बजे का भी टाइम नहीं होगा, वो फिक्स नहीं हो पाएगा। 3 बजे 3:40 मेरा 2 से 3 लास्ट क्लास होता है, कभी कभी 3 से 3:40 होता है, तो सर 6 बजे ही रख लो। क्या बेटा? सर 6 बजे ही रख लो ना, आप जो कह रहे हो 6 बजे से 6 से 7 चल जाएगी सर, 6 से 7। और अगर मतलब किसी बच्चे को किसी प्रॉब्लम होगा तो मैं उसके लिए भी कुछ इंतजाम कर लूंगा। और 7:30 से रखो, आशु शर्मा बोल रही, 7:30 सब लोग ले रही हो, बोलो मुझे कोई दिक्कत नहीं। 7:30 कितने लोग ले रहे हो? 7:30 जल्दी करो करो बेटा, 7:30 यस, ऋतु यस, नो, ओके जल्दी करो, चैट बॉक्स में लिखते जाओ जरा। अभी तो 6 o'clock आई स्नेहा यस, हाथ बदल गया नो, ओके कार्तिक देख लो बेटा सर्वे, कार्तिक यस सर देख लो ना बेटा, तो मैं मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, सो एवरीथिंग 6 o'clock ही सही है, ओके ठीक है। तो कार्तिक देखो बेटा टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा बेटा, कहीं ना कहीं, और अगर कोई इस तरह का स्पेसिफिक डाउट है तो आप ग्रुप जो हम लोग का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप को अगर हम यूज करें तरीके से बिना किसी ईगो के और बिना किसी मतलब ये फीलिंग के कि हमको नहीं आता है तो लोग क्या सोचेंगे, है ना, तो हमको लगता है कि वो ग्रुप का बहुत अच्छा यूज हो सकता है। और मेरे ग्रुप बनाने का एक बहुत बड़ा पर्पस यही था कि हम अपने जो प्रॉब्लम है उसको एक प्लेटफॉर्म पर ओपन करें अपने आप को, और आउटलेट मिल गया हम लोगों को, और उसका हम जिसको भी आंसर आता है लिख दो, ठीक है समझ लो, अगर नहीं भी आता है आपको तो नेट से भी सर्च करके वापस करोगे ना बेटा, तभी कुछ लोग 5 लोग पढ़ोगे तभी 5 लोगों का फायदा हुआ, हो सकता है दूसरा पोस्ट करे तो आप पढ़ लो, है ना, तो इस तरीके से वो एक बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन बन जाएगा। नेट से भी अगर टाइप करके लिखते हो तो भी वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, समझ रहे हो, तो इसको यूज करने का प्रयास करना है। चलो ठीक है बेटा।